नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत, बस इतना पता है कि उसकी हिफाजत करना अब बस मेरे हाथ में था। क्या एक गुनाह करने से इंसान बुरा हो जाता है, और वो भी तब जब वो गुनाह किसी को महफूज रखने के लिए हो। मोहब्बत भी एक इंसान से क्या कुछ करवा देती है, पर मोहब्बत के बिना भी क्या जिंदगी। As the great one said, love is my sin and the idea of what you hate, hate of my sin grounded on sinful loving. Almost 5 hours since last dose. Subject has shown no movement.
Oxy levels are normal. No other symptoms. फायदा नहीं है यहां से आवाज बाहर नहीं जाती देखो प्लीज मुझे जाने दो प्लीज देखो जो भी मैं कर रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है बस एक बार मेरी बात आराम से सुनो देखो दूर रहो क्या चाहते क्या हो तुम देखो बस इतना जान लो कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं यूं मानो ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है विश्वास करोगी मेरा थोड़ा टाइम लो और सोचो सोचो कि ये सब क्यों हो रहा है उम्मीद है कि शायद तुमने थोड़ा सोचा कि ये सब क्या हो रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी 101 राधिका एक्सेप्टेंस थ्योरी अगर अगर कोई भी सिचुएशन किसी इंसान के बस में ना हो तो जिस सिचुएशन में इंसान होता है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है तो परेशान होने से अच्छा है क्यों ना तुम कुछ ले लो डू यू वांट सम डू यू वांट टू बी अनटाइड कैन आई ट्रस्ट यू
सिट। सिट। Just in case, it's not here to hurt you. अगर तुम्हारे कुछ सवाल हैं, तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। घबराओ मत। मैंने कहा ना, तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम हो कौन? देखा? इन सब में मैं तुम्हें अपने बारे में बताना ही भूल गया। रॉन, डॉक्टर रॉन वर्गीस, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काम करता हूँ एज एन एडवाइजर। वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी बीइंग माय कोर एक्सपर्टीज। और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बिकॉज आई केयर अबाउट यू। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधिका, तुम्हें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और तुम अकेले रहती हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तुम्हें ये सब कैसे पता है? बताया तो, मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूं। मैंने गेट सम स्पेशल प्रिविलेजेस। तुम्हारा सारा डेटा, सारे कॉल लॉग्स, सर्च हिस्ट्री सब है मेरे पास। सब एनालाइज किया मैंने। पर क्यों? इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। राधिका, तुम एक एनजीओ के साथ वॉलंटियर बनकर आई थी और तुम्हारा सारा डेटा एनालाइज करने के बाद आई फाउंड आउट दैट वी हैव अ कंपैटिबिलिटी रेट ऑफ ओवर 95%। And once someone's soulmate is found, how can someone not save her? Everyone always says, love is a smoke made with a fume of sighs. I couldn't afford that sigh. I had to save you. I had to protect you. Save from what? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रहे हो? राधिका, हम एक मेजर बायो वॉर में हैं। एक मेजर वायरस स्प्रेड हो चुका है। पीपल विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बीइंग द मोस्ट अफेक्टेड। इसीलिए ये सब। आई हैड टू सेव यू, आई हैड टू प्रोटेक्ट यू। और ये सब तुम्हें कैसे पता? बताया तो कि मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ एंड आई गेट सम स्पेशल प्रिविलेजेस। अच्छा ठीक है, मुझे बचाने के लिए यहां ले आए हो और तुम्हें लगता है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो। तुम्हारे एनालिसिस के हिसाब से वी हैव अ कंपैटिबिलिटी रेट ऑफ 95% एंड वी आर सोलमेट्स। मतलब अब क्या? तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम ऐसे किसी लड़की को यहां ले आओगे और वो तुम्हें चाहने लगेगी? मुझे किसी और का नहीं पता, बट तुम मुझे जरूर चाहने लगोगी। इट्स मैथ, इट कांट गो रॉन्ग। तो अब? अब रिलैक्स राधिका, वील डू थिंग्स व्हाट अ नॉर्मल कपल डज। I have planned 5 dates. At the end of it, you will fall in love with me. Vishwas karo mera. It's math. Never goes wrong. Is bag mein kuch kapde hain tumhare liye. Freshen up. Let's have lunch together. And keep it casual.
और हाँ, रिलैक्स करो और इस पागलपन का मजा लो। इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देने आया हूं। प्लीज, जैसे तुमने मेरा दिया था। प्लीज प्लीज अब से नहीं छोड़ा से। प्लीज प्लीज। दुनिया का ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी की मदद के लिए नहीं आया? ऐसा कभी होता है क्या? क्या हुआ, सो गई थी क्या? तुमने चेंज नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर काम, एज आई मेंशन नॉट हियर टू हर्ट यू। कुछ खा लो। May I serve you, please? Some wine? Good company, good wine, good welcome. Can make good people. Cheers.
अब बताओ इतनी घबराई हुई क्यों थी? राधिका तुम ठीक हो? देखो इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके, हैव सम वाइन। कैसी लगी? इट्स अ 1975 मलो। इट्स नाइस। एक्चुअली सच कहूं तो मुझे वाइन का टेस्ट समझ नहीं आता, दे ऑल टेस्ट द सेम। वाइन एंड विमेन, द टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। पर तुम्हें इन दोनों चीजों की एक खास बात बताऊं, बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड आइदर ऑफ द टू, ईदर यू आर ड्रंक और मैरिड, स्क्रूड बोथ वेज। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा तुम बाहर नहीं जा सकती, फिर क्यों भागने की कोशिश कर रही हो? यू सेड आई कुड ट्रस्ट, लेकिन अगर तुम ये सब करती रही तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। कहा था मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, फिर भी घबरा गई थी। ये जगह और जो भी कुछ तुमने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सॉरी, प्लीज प्लीज खोल दो प्लीज। नहीं, तुम फिर भागने की कोशिश करोगी, यू कांट बी ट्रस्टेड। सुनो सुनो, भूख लगी है, प्लीज खोल दो। तुम नहीं चाहते ना कि मुझे कुछ हो, प्लीज। देखो मैं तुम्हें ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रखूंगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल फॉल इन लव विद मी एंड देन इट विल ऑल बी वर्थ इट। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? याद है पिछले साल तुम नागपुर आई थी बच्चों को पढ़ाने, मैं भी उसी ग्रुप में आया था। I was the doctor, accompanying for the health checkups. मैं तो उसी वक्त तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन कर ना सका। अब क्या कहूं? I have always been a shy kid. You want some wine? ले लो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। सही, इट वॉज सो इजी।
हम यही खाना आराम से भी खा सकते थे, तुम्हें मुझे जानने का मौका मिलता। खैर, वी हैव टाइम। सुनो, लेट्स नॉट काउंट दिस इज द डेट। पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। इन रस्सियों का खेल तो तुम बचपन से खेलती आ रही हो, है ना? अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी। मुझे लगा कि तुम अब तक यहां से निकल चुकी होगी। तुम्हें याद है, हम भी ऐसे खेल खेला करते थे। वो भी क्या दिन थे। चलो, इसी बहाने ही सही, तुमने अपने पापा को याद तो किया। Trust the person who has broken faith once. पता नहीं मैं राधिका पर कैसे विश्वास करूं, पता नहीं कि कैसे उसकी बातें मानूं। उसको मैं अच्छे से जानता हूं, वो हर काम करेगी भागने के लिए, लेकिन उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये सब उसी के लिए है? Do I explain with logic or do I coerce her? I don't know. बस इतना पता है कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा उसका विश्वास जीतने के लिए। टू क्लाइम स्टीप हिल्स रिक्वायर्स अ स्लो पेस एट फर्स्ट। पानी
क्या हुआ, कोई बुरा सपना? Let's get you calm. दिखाना चाहता हूं, ये देख रही हो? ये क्या है? इसी से तो मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। तुम ये देख रही हो? ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है जो फ्लू में होता है। दिस इज अ न्यू वायरस। ये जो स्ट्रैंड है वायरस में, ये ऐड किया था एक बायोवायर साइंटिस्ट ने। इस एक स्ट्रैंड से द वायरस बिकम्स एयरबॉर्न एंड पीपल विद वीक रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैव अ डिफिकल्टी टू ब्रीथ and the effect of this is death. तुम्हें समझ में आ रहा है तुम कितने रिस्क में हो? Good. No, that was easy. Now take some rest. Let me fetch some dinner. Now can I trust you? Make some effort for the next date. ₹1500 सर। थैंक यू।
रूम सर्विस माय लेडी। रुको मैं करती हूँ। अच्छी लग रही हो। कपड़ों की ज्यादा चॉइसेस नहीं रखी थी तुमने। I wanted it to look like a date. Hope you freshened up. अब काफी दिनों तक यहीं रहना है तो might as well. विश्वास करो मेरा सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। Just trust me, okay? ये जो तुम्हारा एनालिसिस है 95% कंपैटिबिलिटी का, कैसे किया तुमने? लॉजिक क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ओनली इन फिजिक्स राधिका। इन लाइफ अ कपल नीड सिमिलैरिटीज। सोचो तुम काम के बाद घर वापस आती हो एंड यू नीड साइलेंस, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस खुद के साथ वक्त बिताना चाहती हो, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रोज मूवीज देखना चाहता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता है, लाउड म्यूजिक प्ले कर देता है, तो कुछ वक्त तुम उसकी बात मान लोगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट कैन कॉज इश्यूज, और लेट मी रीफ्रेज, इट विल कॉज इश्यूज। And once issues come in, it's not life. It's an adjustment. Radhika, love fades away, but an individual's nature and core values don't. जब मैंने तुम्हारे को पहली बार देखा, I started accessing your search history, call logs, family history, food history. और मैंने एक एल्गोरिथम बनाया। इट हैड फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल प्रेफरेंसेस लाइक मूवीज, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, लाइफ प्रायोरिटीज जैसे योर टेक ऑन प्रोफेशनल लाइफ, किड्स, फैमिली एक्सेट्रा। एंड आफ्टर असेसिंग एंड स्टडिंग ऑल दीज पैरामीटर्स, आई वाज कन्विंस्ड that this is just more than law of attraction. As I said, it's math. It can't go wrong. Water? शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, हमारी पहली डेट आई मेड यू पास्ता एंड नाउ चाइनीज, दोनों तुम्हारी टॉप 10 फूड हिस्ट्री में। Oxygen level is fine. Blood pressure 78/118. The subject has progressed well.
तुम्हें बचपन से किसी पे विश्वास नहीं था ना, और गुस्सा तो इतना आता था कि तुम मुझसे अपने पापा से नफरत करने लग गई थी। क्यों ये मुझे आज तक नहीं पता। तुम्हारे गुस्से को काबू करने के लिए तुम्हारे हाथ बांधने पड़ते थे, याद है ना? घबराई हुई हो? मैं जो भी था, जैसा भी था तुम्हारा अपना ही। ये वक्त निकल जाएगा, बस अपने गुस्से पे काबू रखो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये वक्त तुम ठंडे दिमाग से निकाल लो तो याद रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। What all one must do for love. The course of true love never did run smooth. बस इतनी सी दुआ करता हूं कि वो मेरे इरादे पर कोई शक ना करे। बस थोड़ी देर और, कुछ और देर, और मैं राधिका को बचा पाऊंगा। दुआ करता हूं कि ये थोड़ा समय मुझे और मिल जाए और राधिका मेरा विश्वास करे। Time and the hour run through the roughest day, and my roughest days might be just ahead of me. Are you bloody crazy? हाँ, पहले तो तुम मुझे यहाँ ले आते हो, बोलते हो कि ये सब मेरे लिए कर रहे हो, बोलते हो कि मुझे किसी वायरस से बचाने की कोशिश कर रहे हो, बोलते हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं, and then you drug me. Listen, calm down. मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, calm down. क्या समझोगे? क्या समझोगे? देखो, I had to do it. तुम दो मिनट मुझे दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ. मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी. देखो, I had to vaccinate you. अगर कहीं ये वायरस एयरबॉर्न हो गया तो ये तुम्हें इम्यूनिटी देगा। ट्रस्ट मी, मेरा कुछ और मतलब नहीं था। ये वायरस कहाँ, ये वायरस? तुम्हें लगता है कि तुम बारी बारी मुझे एक ही बात बोलते जाओगे और मैं तुम्हारा विश्वास करने लगूंगी? एक सेकेंड, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मेरा विश्वास करो राधिका, पूरी दुनिया लॉकडाउन मोड पर है, कोई भी बाहर नहीं है। द एंटायर सिटी इज अ गोस्ट सिटी। रुको, पहनो इसे। क्या ये? Just do as I say, पहनो इसे। एक सेकेंड, चलो मेरे साथ। तुमने शहर को कभी ऐसे देखा है? देखो, अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं तुम्हें बारी बारी यहां बाहर नहीं ला सकता। कर रहे हो तुम? जैसे तुम्हें बताया, प्रोटेक्टिंग यू। इट्स द 21st सेंचुरी वॉर राधिका। ये वायरस 10 घंटे किसी भी सरफेस पे रह सकता है, और जैसे ही यू टच योर फेस, योर आईज, योर माउथ, इट एंटर्स योर बॉडी,
It attacks your lungs. And slowly and steadily, it weakens your immunity. पूरी दुनिया इस वायरस से घबराई हुई है. पूरी दुनिया लॉकडाउन मोड में है. No one knows how to control this virus. Trust me, you couldn't have been in better hands right now. और ये सब कब तक चलेगा? मैं नहीं जानता. कोई भी नहीं जानता. बस इतना याद रखना that I love you and I care about you. I had to do all this. Just trust me, okay? I'll remain more calm, I guess. But if you've kidnapped me for my own good, you might as well just stop this torture. Duly noted. Now, please let me be. I just need time off. ₹1500 सर. ये लो. थैंक यू. Thank you.
All okay in there? Yep. Just freshening up. Okay. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। Help me set it up. Paulo Coelho, Dan Brown, Mario Puzo, Shakespeare. All your favorites. हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? Your search history. Remember? एक सेकेंड के लिए शायद मैं तुम्हारी अजीब हरकतों के बारे में भूल गई थी। अजीब ही सही, लेकिन उसी रिसर्च की वजह से मैं तुम्हें आराम से तो रख सकता हूँ। बुक्स बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड विल मेक यू फील एट होम। सीरियसली एट होम? ओके, क्लोज टू होम। और कोई चारा है? फिलहाल तो नहीं, पर देखो पूरी दुनिया लॉकडाउन मोड पे है, एटलीस्ट यू हैव कंपनी। जी डॉक्टर वर्गीस। चलो कम से कम तुमने नाम तो लेना शुरू किया। वैसे तुम मुझे रॉन बुला सकती हो, फर्स्ट नेम बेसिस से थोड़ा अपनापन आ जाता है। यस रॉन। सही, बेटर। एनीवे आई लीव यू विद योर फ्रेंड्स और तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। मैं थोड़ी देर में आऊंगा तुम्हारे वाइटल्स लेने के लिए। यस रॉन। ओके। राधिका अग्रवाल, डॉक्टर रॉन वर्गीस ने मुझे किडनैप करके रखा हुआ है। इस जगह का एड्रेस D2 अफ्रीका एवेन्यू है। अगर किसी को भी ये नोट मिले प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। कम रोशनी में आंखें खराब हो जाती हैं। मतलब लैम्प 2 कदम दूर है। वो एक्चुअली आई जस्ट फेल्ट मोर कंफर्टेबल हियर।
ये पेन तुम्हें कहां से मिला? ये इस किताब में था। तुम एडल्ट्री पढ़ रही हो क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? कुछ महीने पहले मैं पढ़ रहा था, तब से ये पेन गायब है। अभी देख के याद आया कि मैं उसी में भूल गया था। ट्रस्ट मी, इट्स अ गुड रीड। पालो इज अ जीनियस। एनीवे, मूविंग ऑन। It is fast. अभी भी घबराई हुई हो क्या? Have you been up to something? Weird. Let's check your oxygen levels. Oxygen is normal. May I? So simple. Please relax, okay? मुझे देख के घबरा मत जाया करो। Your pulse rate goes off. I'm not here to hurt you. ₹1500 सर। थैंक यू सर। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आप हमेशा ऐसे कपड़े और मास्क में क्यों आते हो? तुमसे मतलब? नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ लिया। अपने काम से काम रखो, समझे? जी सर। और मेरी एक बात मानो, तुम भी पहना करो। जी। सेफ रहोगे। जी सर।
क्या हुआ? कोई बुरा सपना? When will you get your mind at peace? Do you blame me? मैं पिछले यहाँ पे कई 11 दिनों से नहीं, 10 दिनों से 10 दिनों से बैठी हूँ. No fresh air, no sunlight, no contact with any other person. बस अपने किडनैपर की बात मानती जा रही हूँ कि वेलविशर की बात कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है. How can anyone be at peace? Does this get you at peace? A bit. और अब? I know it's your favorite. एक बात बताओगी? When I read your search history or your diary, my diary, I think we have passed that stage. But anyway, मैं जब भी तुम्हारी सर्च हिस्ट्री या तुम्हारी डायरी पढ़ता हूँ, तुमने हर जगह एक ही बात लिखी है कि तुम्हें अपना जॉब छोड़ना है और अपना पैशन फॉलो करना है. What happened? कभी तुमने कुछ किया क्यों नहीं? I don't know. I guess life happened. Bills, rent. कभी हिम्मत ही नहीं हुई जॉब छोड़ने की. क्यों ना तुम अपना ये टाइम अपने उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में यूज करो? That book you were writing. या वो गाना जो तुम कंपोज कर रही थी यहाँ पे? ऑफ कोर्स. सॉलिट्यूड इज क्रिएटिविटीज बेस्ट फ्रेंड. और जैसे पिकासो ने कहा है, विदाउट ग्रेट सॉलिट्यूड नो सीरियस वर्क इज पॉसिबल. एनीवे, थिंक अबाउट इट और बताना मुझे. एंड फिनिश द मूवी, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ. रॉन, रॉन, कौन? Yeah.
कुछ याद आया बेटा? अंधेरे में तुम अक्सर काफी गलतियां कर देती हो, नहीं? रॉन, रॉन, अब अपने पापा से ज्यादा उस पर विश्वास है? मैं तो बस तुम्हारा हाल पूछने आया था। डरता हूं तुम कहीं किसी ऐसे पे विश्वास ना कर बैठो जो तुम्हारे विश्वास के लायक ही ना हो। कभी सोचा है शायद ये जो वो सब कह रहा है वो हो ही ना? शायद ये किसी का तरीका हो तुम्हारे करीब आने के लिए। मैं तो तुम्हारा अपना हूं, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूं। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने गुस्से को शांत रखो और ठंडे दिमाग से सोचो कि ये सब क्या हो रहा है। द बेस्ट प्रूफ ऑफ लव इज ट्रस्ट। अगर वो मेरा विश्वास नहीं कर सकती तो शायद हमारी कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। पिछले कुछ दिनों में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उन बातों पर विश्वास करती है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो विश्वास बढ़ जाए तो मोहब्बत ज्यादा दूर नहीं। बस कुछ समय और बीत जाए, थोड़ा वक्त और मिल जाए, इस रिश्ते को मैं खोना नहीं चाहता। इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन इट विल बी ऑल वर्थ इट। लव विल ट्रायम्फ। पिछले 10 दिनों से मुझे डॉक्टर वर्गीस ने किडनैप करके रखा हुआ है। अगर किसी को भी ये मिले प्लीज मुझे यहां से बचा ले। इस जगह का एड्रेस D2 अफ्रीका एवेन्यू है। प्लीज हेल्प मी आउट राधिका।
यू स्केर्ड मी। तुम तो इस पेंटिंग में खोई गई। ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? समथिंग अबाउट इट, एक उदासी सी है इसमें। इट इंट्रीग्स मी, प्लस द स्ट्रोक्स, द वे इट्स पेंटेड, इट्स मेस्मराइजिंग। थैंक यू। यू लुकिंग एट द आर्टिस्ट मैम। तुम पेंटिंग भी करते हो? कितने अफसोस की बात है कि इतने दिनों में तुमने इस कमरे को ठीक से देखा भी नहीं। तुमने मुझे बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की। पेंटिंग रिलैक्सेस मी। तो जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट होता हूं आई पेंट। इट्स माय एस्केप। इंप्रेसिव। एनीवे, मूविंग ऑन फ्रॉम माय एस्केप टू योर्स, म्यूजिक। अभी? Well, there is no bad time for music. Without music, life is a mistake. चलो मैं कुछ ऐसा बजाता हूं जो तुम्हें भी आता हो। कैसे पता चला कि ये वाला गाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? ये तुमने अधूरा छोड़ा हुआ था। पता नहीं तुम्हें ये बात अपने बारे में पता है या नहीं, बट जो चीजें तुम्हें पसंद होती हैं तुम उन्हें कभी पूरा नहीं करती। यू कांट कमिट टू द थिंग्स यू लव। तुमने बाकी के बोल कैसे गा दिए? चाहे एक इंसान के बारे में तुम
कितना भी पढ़ लो, पर किसी को समझना इतना आसान नहीं है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होती है मैं उन्हें नहीं लिखती, बस अपने मन में कहीं छुपा लेती हूँ। आई डोंट डॉक्यूमेंट द थिंग्स आई लव। ड्यूली नोटेड। सी, सॉलिट्यूड डज ब्रिंग क्रिएटिविटी। आई गेस इट डज। तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, पर मुझे सिंगर दूसरा चाहिए। Now, didn't that calm you down? आपने देखा गुस्से को कंट्रोल करना कितना आसान है। सो जब भी गुस्सा आए जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड द एंगर गोज अवे। आप बताओ, डू यू अग्री? यू आर रॉन्ग, यू शुडन्ट बी थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। सो राधिका, अगली बार जब भी गुस्सा आए, किसी चीज को फेंकने या किसी को मारने का मन करे, जस्ट प्रिटेंड योर हैंड्स आर टाइड एंड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स एंड फाइंड एन इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन to make anger go away, okay? Hey! Relax. Calm down. मैं सिर्फ तुम्हारे vitals लेने आया हूँ. Relax. Come sit. क्या टाइम हुआ है? 9:45 AM, PM? PM. एक तो इस कमरे में रोशनी नहीं आती, ना दिन का पता चलता है ना रात का। ऐसा लगता है कि एक ही दिन चलते जा रहा है। और तुम हमेशा एक ही कपड़े क्यों पहनते हो? Because I like to keep it simple. I like to templatize my life. But someone's in a mood. फिर से कोई बुरा सपना? तुम मुझे बता सकती हो, you know you can trust me. कुछ नहीं हुआ है रॉन। तुम रोज घबरा के उठती हो, किसी ना किसी चीज की वजह से डरती हो। Why? Because I'm kidnapped, Ron. That's why. ये मेरा घर नहीं है। It's not my comfort zone. You know, मुझे तुम्हारे vitals लेने हैं। Your pulse will go off. कब तक चलेगा ये सब? हाँ, how long it's gonna last? देखो, कोई compatibility नहीं है हमारे बीच। कुछ नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। Now may I leave? I wouldn't advise that. Learn to trust someone. If not someone, trust me. Okay? Now calm down. मुझे अपने vitals दो। Day 11, subject vitals are normal. You still refer to me as a subject. I am a doctor. कुछ कुछ आदतें कभी नहीं जाती।
खैर, गेट रेस्ट, योर वाइटल्स आर नॉर्मल। राधिका, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मुझे यहाँ लाने से पहले क्या मेरी परमिशन ली थी तुमने? तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री में कुछ थेरेपी सेशंस की प्रिस्क्रिप्शन थी। हाँ तो? की रीजन, एंगर मैनेजमेंट। कभी बताया नहीं तुमने कुछ उसके बारे में? इट्स अ हॉस्टेज सिचुएशन रॉन, तुम यहां मुझे मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं लाए। मैं ऐसा क्या करूं राधिका जो तुम मेरा विश्वास करो? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी झूठ नहीं बोला। थोड़ा तो विश्वास करो। क्या जानना चाहते हो रॉन? कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है रॉन। आई वॉज जस्ट एन एंग्री किड। आई गेस आई वॉज जस्ट बॉर्न दैट वे। नो वन इज बॉर्न लाइक दैट। कभी कभी हालात हमें फंसा देते हैं। हाँ शायद, शायद मैं अपनी मॉम की डेथ को कभी हैंडल ही नहीं कर पाई और उनकी डेथ का गुस्सा मैं हर चीज, हर इंसान पे निकालती रही। वैसे अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लॉस्ट योर मॉम? 16। See, another thing is common between us. I lost mine at the same age. Seriously? Hmm. Car accident. Life, huh? Yes, life. Anyway, moving on to these थेरेपी सेशंस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ की वजह से ये सारे इश्यूज हैं? हाँ, वो और मेरे डैड की वजह से। आई नेवर हैड अ गुड रिलेशनशिप विथ माई फादर। आई वॉज जस्ट एंग्री एट हिम ऑल द टाइम। I just blamed him for everything. और जब मैं 20 साल की हुई तो मैं सब कुछ छोड़ के भाग आई। Must have been tough. It was tough. मुझे आज भी याद है वो दिन। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया, बस कुछ याद आ गया था। क्या हुआ, कुछ बताओगी? बोला ना कुछ नहीं। जिसके मेरे साथ फेस रॉन, जिसको राधिका, बोला ना रॉन, जस्ट लीव। Thank you.
हेलो डॉक्टर. हेलो राधिका, कम बैठो. राधिका, पता नहीं क्यों आज आना ही नहीं चाहती थी. बड़ी मुश्किल से मनाए यहां लाने के लिए. ऐसा क्यों? आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, अभी ठीक हो जाएगी. व्हाई डोंट यू वेट आउटसाइड? श्योर. थैंक यू. राधिका, क्या हुआ? आज बहुत चुप चुप हो. मामा की याद आ रही है? पापा ने कुछ बोला? क्या बोला? बताओ मुझे राधिका. राधिका लिसन, मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? ओके बताओ राधिका, जस्ट डू व्हाट आई सेड लास्ट टाइम. टेक अ डीप ब्रीथ इन, जस्ट रिलैक्स. ओके रिलैक्स, ब्रीथ इन. लिसन, आई हेट दिस प्लेस. आई हेट यू, आई हेट हिम. And I'm leaving. Radhika, listen. Radhika. Doctor. सब ठीक है ना? वो राधिका. राधिका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. And it's not healthy. बच्ची है वो. अभी अभी उसने अपने माँ को खोया है. कहीं तो गुस्सा उतारेगी. समय समझ सकती हूँ, पर इस तरह के एक्शंस बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, स्पेशली आपके लिए. मतलब? मतलब ये कि वो अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार आपको मानती है. उसको लगता है कि आपकी वजह से उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली है. पर डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं था. आई अंडरस्टैंड सर, बट राधिका इतनी इनफ मैच्योर नहीं है. उसको नहीं पता कि रिश्तों को संभालना कितना मुश्किल हो सकता है. तो क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर आप? यू ब्रिंग हर इन. आप उसको कल लेके आइए. शी नीड्स टू बी इन रिहैब. हम उसका यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि एट दिस मोमेंट हर बीइंग आउट इज नॉट सेफ फॉर यू नॉर फॉर हर. ओके जी. एक सेकंड, ये लीजिए. ये क्या है डॉक्टर? ये एक रिलैक्सेंट है. जस्ट स्लिप इट इन हर फूड, इट विल काम हर डाउन. और कल से तो हम राधिका का ध्यान रख ही लेंगे. ओके जी, थैंक यू. राधिका, यहाँ चलो घर चलते. तुम यहां बैठी हो और मैं पूरा घर ढूंढ के आ गया. कुछ खा लो, तुम्हारे लिए खास बनाया है. क्यों, पसंद नहीं आया क्या? मैं खिला दूं?
सर कोरियर। क्या सामान लाए हो? जी सर। ये उसको उधर टेबल पे रख दो। और कुछ? सर 2404 रुपए हुए सर। मोबाइल पेमेंट लेते हो? जी सर। देखो ट्रांसफर कर दिया, मिल गए? जी हाँ सर। खड़े क्यों, जाओ। और सुनो, वहां गेट के पास मास्क पड़े हैं, ले लेना और पहन के रखा करो। मास्क? Ghosts of the past always catch up. राधिका के साथ भी यही हो रहा है। वो जितना समय अपने आप के साथ बिता रही है उतना ही वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रही है। उसको इस वक्त अकेले नहीं रहना चाहिए, उसको मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं कर तो उसी के लिए रहा हूं। कहते हैं किसी का विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। Trust has to be earned and should come only after the passage of time. We have all the time. वक्त तो है हमारे पास, क्योंकि मैं राधिका को कहीं जाने नहीं दूंगा। पर प्यार पाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा, उसको अपनाने के लिए मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। क्या हुआ, कहाँ खो गई थी? कॉफी? एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तुम मुझे यहाँ लाए, इतने दिनों तक अपने पास रखा, लेकिन कभी भी मेरे साथ कुछ? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुमने कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी कोई जबरदस्ती की। मैं ऐसा क्यों करूंगा राधिका, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं बस तुम्हें तो तुम्हारे लिए यहां लेकर आया हूं। मैं जानता था तुम अकेले रहती हो, और ये भी जानता था कि जब तुम अकेले रहती हो तुम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। योर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग विद यू, योर माइंड टेक्स यू टू योर पास्ट। मैं बस इतना चाहता था कि जब तुम यहाँ रहोगी मेरे पास तो मैं तुम्हें महफूज रख सकता हूँ, तुम मुझसे बात कर सकती हो। डर बस इसी बात का था कि कहीं इस लॉकडाउन सिचुएशन में तुम कोई गलत कदम ना उठा लो।
It's all for you. I'm here to protect you. तुम यहीं रुको, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। डॉक्टर रॉन वर्गीज जी, यहाँ कोई रॉन वर्गीज रहता है? जी नहीं सर। तुम कौन हो फिर? जी रोनित, रोनित अरोड़ा। कोई आईडी है? जी हाँ सर, ये। कोई प्रॉब्लम है सर? बता दे भाई प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम। सर, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस घर की तलाशी ले सकते हैं। जी तलाशी साहब बात प्यार से करते हैं, वो तुझसे पूछ नहीं रहे, तुझे बता रहे हैं। बाहर इतने बुरे हालात हैं, आधे शहर में दंगे चल रहे हैं, और फिर भी हम यहाँ हैं। अब तो हम अपना शक दूर करके ही जाएंगे। सर, आप ये वाला फ्लोर देखिए, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। ये पौधे घर के अंदर, वो भी अंधेरे में। सर वो अकेला रहता हूँ तो
थोड़ा मन लग जाता है। सिगार्स। बस एक यही बुरी आदत है सर। राइटर हो क्या? नहीं सर, प्रोफेसर। प्रोफेसर रह गए थे? नहीं सर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नीचे का चेक कर लिए, ऊपर का बचा है। चलो कुछ मिला? ऑल क्लियर सर, बस ये कमरा बचा है और ये कमरा लॉक्ड है। सर ये कमरा बंद ही रहता सर, स्टोर रूम है, चाबी ढूंढनी पड़ेगी। चंगी तरह टीम, इट्स एमरजेंसी, एमरजेंसी है, आई रिपीट, एमरजेंसी है। ओके सर। सर हमें अभी निकलना पड़ेगा। ओके, हम फिर आते हैं। तो चाबी ढूंढ के रख, हम अभी वापिस आते हैं। ठीक है। ये तुमने लिखा है? वो, I
कैन एक्सप्लेन। ये तुमने लिखा है? रोन, आई कैन एक्सप्लेन। ये तुमने लिखा है? रोन, प्लीज। सॉरी। तुमने लिखा ये? तुम्हें मारना नहीं चाहिए था राधिका। तुम्हें पता है मैं क्या कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, मगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अपने गुस्से को शांत रखो, कल के बाद सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू। Trusted you, Radhika. Do you hear me? I trusted you. क्यों किया तुमने ये? क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। डोंट यू गेट इट? दिस कुड हैव बीन लव, दिस शुड हैव बीन लव। आई नीड आंसर्स। आई एम सॉरी रोहन, गलती हो गई। आई नो आई स्क्रूड अप, आई एम सॉरी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। प्लीज खोल दो, दोबारा नहीं होगा, I'm sorry, please. I can't trust you. Ron, मेरा विश्वास करो. I just can't trust you. Ron, please खोल दो, Ron. Ron, Ron, please. सब वापस आता है धीरे धीरे, घूम के सब वापस आता है। रोन, 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 प्लीज खोल दो। रोन, रोन, ही इज गोना किल मी। रोन इज गोना किल मी। रोन, रोन, प्लीज खोल दो। रोन, रोन, रोन वो मुझे मार देंगे। रोन इज गोना किल मी। रोन, रोन, प्लीज हेल्प। रोन खोल दो। रोन, रोन, क्या कह रही हो तुम राधिका? रोन प्लीज खोल दो, रोन प्लीज खोल दो। सब दिमाग का खेल है, सब दिमाग का। रोन, रोन, रोन अभी प्लीज, प्लीज खोल दो। रोन अभी इसी वक्त खोल दो। प्लीज, प्लीज।
दिमाग ठंडा रखो। गुस्से में तुम हर बार अपना नुकसान करते हो। रॉन प्लीज ओपन, प्लीज इसे मत खोल दो रॉन। Everything was being done to protect you. से मैं कुछ गलत मत कर देना। क्या पता चला? यहीं सामने रहती थी, काफी दूर से पैदल चल के आ रही थी और इसने मास्क भी नहीं डाला था। अब बुलाया पैनेमिक टीम को, अपने आप संभाल लेंगे। साला लोग भी मानते नहीं है। मैंने देर से ही बोला, लेकिन जब भी बोला घर पे रहो, फिर भी मानते ही नहीं है। क्या स्टेटस है, किधर पहुंचे? बिल्कुल आपके पीछे जनाब। जल्दी आओ, जल्दी आओ, कम ऑन फास्ट, जल्दी करो। आओ जल्दी, इट्स अर्जेंट, इट्स अर्जेंट।
बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। ये तो मर गई सर। अपने प्यार को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? How far can you go to save your love? Block out an entire road? Buy out all the medicines? Make fake documentations to buy all the medicines? Kidnap someone? सच यह है कि अगर प्यार में पागलपन ना हो तो वो प्यार ही नहीं, और अगर उस प्यार को कुछ हो जाए तो वो पागलपन किस काम का। यह सच है कि जो मैं करने जा रहा हूं शायद गलत हो, लेकिन सच यह भी है कि अगर मैं ये ना करूं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। इट मे हर्ट राइट नाउ बिकॉज लव हर्ट्स, बट सून इनफ यू विल रियलाइज that it is worth it.